हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट पेजी सीरीज मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो बच्चा लोग आज के सेशन में हम बिगिन करने वाले हैं विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड तो पिछले सात सालों में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो बच्चा लोग शुरू किया जाए अपने आज के सेशन को आई होप यूर आर एक्साइटेड चलिए तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ जो कि पूछी गई थी नीट 2017 में एंड द क्वेश्चन माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी तो भाई जो माल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल ये माल्ट स्टैंड फॉर जल्दी से कोई बताएगा मुझे इट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू याद आ गया क्या था ये याद करो कोई Tissue, एक का, जो माल्ट है मैंने आपको बताया था इसके बारे में अगर ये एक सेकेंडरी लिंफॉइड टिश्यू है दैट मीन ये एक साइट प्रोवाइड करता है फॉर लिम्फोसाइट्स एंड दीज टू इंटरेक्ट है ना और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात बताई थी कि ये हमारी बॉडी का टोटल जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसका कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है याद है आप सभी को रिकॉल करने की कोशिश करो आपके सामने ऑप्शन दे भी रखे हैं ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट टेन परसेंट या फिफ्टी परसेंट कितना लगता है मैंने बताया था आपकी बॉडी का टोटल जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है उसका आधा यानी कि राइट फिफ्टी परसेंट जो भी टिश्यू है लिम्फॉइड टिश्यू आपकी बॉडी में वो एक्चुअली में माल्ट है सो द करेक्ट आंसर हेयर शुड बी डी फिफ्टी परसेंट याद है सभी को और कहां प्रेजेंट होता है ये यह टेल मी कोई बता सकता है ये आपको देखने को मिलेगा इन दी लाइनिंग और यू विल फाइंड इट विद इन द लाइनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव रेस्पायरेटरी एंड और कौन सा ट्रैक्ट याद है सो दीज आर दस साइड जहां पर आपको बाल्ट देखने को मिलेगा ऑब्वियसली इन सभी ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा लेर है उससे असोसिएटेड होगा सो इट इज गोइन टू बी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉट टिश्यू सेकेंडरी लिंफॉय टिश्यू है रिमेंबर दिस वेरी वेल पाया जाएगा विदिन दी लाइनिंग ऑफ दीज पर्टिक्युलर ट्रैक्ट फाइन और कॉन्स्टिट्यूट करेगा

तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी पेशेंट में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को तो पेशेंट की बॉडी उस ग्राफ्ट को या फिर उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है अब इस रिजेक्शन के पीछे कौन से इम्यून रिस्पॉन्स का रोल है ठीक है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स ऑप्शन सी हॉर्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर ऑप्शन डी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कमॉल इट्स अ वेरी इजी वन याद कीजिए ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था इन सारे रिस्पॉन्स को और आपको याद आ रहा होगा कि ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट्स के अगेंस्ट कौन सा वाला इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता था इट वॉज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स याद कीजिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ टी लिम्फोसाइस ऑफ द टी सेल्स राइट याद कीजिए दिस वॉज सिस्टम ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और आपको पता है ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे एक्ट अगेंस्ट इन वेडिंग पैथोजिन जो कि होस्ट सेल में अटैक करते हैं एंड दे ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट कैंसर सेल्स एंड दे ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट दी ट्रांसप्लांट्स तो जब भी बॉडी में कोई ग्राफ्ट यू नो प्लेस किया जाता है ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अगर वो रिजेक्ट किया जाता है दैट इज ड्यू टू दी अटैक ऑफ दिस

हेरोइन या फिर स्मैक को ऑप्टेन पॉपी प्लांट के किस पार्ट से किया जाता है ओके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्लावर्स ऑप्शन बी लेटेक्स ऑप्शन सी रूट्स या फिर ऑप्शन डी लीव्स कम ऑन। रिकॉल करो मैंने आपको बताया था ये जो हिरोइन या स्मैक है इसका केमिकल नेचर क्या था याद है किसी को दिस वॉज डायटाइल मॉर्फिन द so, मॉर्फिन जो कि एक अल्कलॉइड है उसके एसिटाइलेशन से बनता है हेरोइन और ये नेचुरली आपको पॉपी प्लांट जिसका कि साइंटिफिक नेम कोई बता सकता है मुझे इस पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम इट इज पेपेवर सोमनीफेरम ये सारी चीजें हमने कवर की हैं सो पेपेवर सोमनीफेरम और दी पॉपी प्लांट के किस पार्ट से हमें डाई एसेटाईल मॉर्फिन हेरोइन के फॉर्म में स्मैक के फॉर्म में मिलता है कम इट वाज लेटेक्स याद करो इट वॉज ऑप्शन बी लेटेक्स लेटेक्स जो कि एक फ्लूड होता है आपको एक मिल्की वाइट फ्लूड जो निकलने को मिलता है ना उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर ड्रग को सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस शुड बी ऑप्शन बी लेटेक्स आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी वेल तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर फोर पर लेट्स ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज तो बच्चों दी हुई इन ऑप्शन में से आपको पहचाना है कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में नहीं आती है ओके? ऑप्शन है ऑप्शन ए सोरायसिस ऑप्शन बी रूमटॉइड अर्थराइटिस ऑप्शन सी अल्जाइमर्स डिजीज या ऑप्शन डी बिटिलाई कमॉन यहां पर आपको बचाना है कौन सी डिजीज़ ऑटो इम्यून नहीं है आई होप आपको याद आ गया होगा ऑटो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है आपका जो इम्यून सिस्टम है नॉर्मली जो कि फॉरन सेल्स या फॉरन पार्टिकल्स के अगेंस्ट अटैक करता है वो कभी कभी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वो अपने ही बॉडी सेल्स को हार्म पहुंचाने लगता है मीन्स उसके ही अगेंस्ट अटैक कर देता है ओके और ऐसे में ये जो कंडीशन है इसको हम बुलाते हैं ऑटो इम्यूनिटी और इस कंडीशन की वजह से अराइज करने वाले जो डिसऑर्डर्स या डिजीजेज हैं उन्हें हम बुलाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज सो आपको पहचानना है उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं कम ऑन सो द करेक्ट आंसर शुड बी कोई गेस कर पाया अभी तक येस द करेक्ट आंसर शुड बी एल्जाइमर्स डिजीज़ याद करो मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में पढ़ाए हैं जैसे कि आ रहे तो आपको याद ही होगा अर्थराइटिस ओके okay? तो ऐसे में आपको पता है जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आप ही के जॉइंट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको अटैक कर देता है सिमिलरली सोरास में क्या होता था सोरायसेस में आपका ही जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है आपके ही नॉर्मल हेल्दी स्किन स्किन सेल्स को तो ऐसा क्या होगा वो एक्चुअली स्टिमुलेट करेगा आपके हेल्दी स्किन सेल्स को टू डिवाइड एट अ वेरी फास्ट रेट जब वो इतनी फास्ट फास्ट डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जो यू नो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स विल बी फास्टर दैन द रेट ऑफ शेडिंग ऑफ द ओल्डर सेल्स यानी कि जितनी स्पीड से नए सेल्स बनेंगे उतनी स्पीड से पुराने सेल्स जो हैं वो शेड ऑफ़ नहीं होंगे जिसकी वजह से स्किन में आपको बम्प्स देखने को मिलेंगे ओके okay? स्किन उठी हुई नजर आएगी और उसके ऊपर जो आउटरमोस्ट लेयर होगी ना उस पर आपको वाइट स्केल्स देखने को मिलते हैं सो दिस इज़ अ कंडीशन जो कि सोरायसेस की कंडीशन होती है और यह आपके इम्यून सिस्टम की ही एक यू नो ड्रॉबैक की वजह से अकर करती है ओके देन बात करते हैं विटलाइगो की विटलाइगो आप सभी को याद होगा यहाँ पर आपको यू नो डीप पिगमेंटेशन यानी कि पिगमेंटेशन का लॉस देखने को मिलता है इन सर्टन रीजन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ओके सो ये कंडीशन भी आपके इम्यून सिस्टम का ही यू नो वजह से होती है एज सच क्यों क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके मेलानोसाइट्स पे अटैक कर देता है आप ही की बॉडी के स्किन सेल्स के तो मेलानोसाइट्स आई होप आप सभी को पता होगा दैट मेलेट पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के जो कि आपकी पिगमेंटेराइट right? जिसकी वजह से हमारा स्किन कलर आता है बट जब इम्यून सिस्टम आप ही के मेलानोसाइट्स यानी कि कुछ बॉडी रीजन के मेलानोसाइट्स को अटैक कर देगा उनको किल कर देगा तो उस रीजन पे मेलेन प्रोड्यूस नहीं होगा इस वजह से वहां पर लॉस ऑफ पिगमेंटेशन देखने को मिलता है सो अगेन दिस इज ऑल्सो दटो इम्यून डिजीज उसका मतलब क्या हुआ सोरास रिमोटोडर्थोराइट एंड वचलाइगो कु द राइट आंसर इनफैक्ट द आंसर इज एल्साइमर्स डिसीज जो कि एक क्या डिजीज है यह एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो कि नॉर्मली ओल्डर पीपल में जो 60 क्रॉस हो जाते हैं ना एज में उनमें देखी जाती है अब यह एक भूलने की बीमारी है इसमें मेमोरी लॉस देखने को मिलता है कई बार ये इतना सीवियर हो जाता है कि एक पर्सन अपने ही बहुत ही क्लोज रिलेटिव या क्लोजर पीपल को उनके नाम उनके इवन चेहरे तक भूल जाता है इनफैक्ट अगर उनको कहीं बाहर छोड़ दिया जाए तो वो अपना घर का रास्ता तक भूल जाते हैं तो so, ये अल्जाइमर डिजीज जो है वो एक डिजेनरेटिव डिजीज देखने को मिलती है ओके सो इट इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून फाइन ओके एंड अगर इस डिजीज के बारे में आपको और देखना है तो आप एक मूवी देख सकते हो जो कि जिसमें एक्ट्रेस काजोल एंड अजय देवगन है एंड द मूवी वॉज नेम आई गेस यू मी और हम उसमें भी काजोल उस प्लेइंग अ पेशेंट जो कि एल्जाइमर से सफर कर रही है ओके okay? सो so यहां पर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी एल्जाइमर डिजीज इन दिस केस आई होप यू गॉट दिस क्लियर तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर फाइव पर द क्वेश्चन सेज इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स तो बच्चों बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो कि मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है जिसका पैथोजन ट्रांसमिट होता है पास ऑन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और ये एक्चुअली कॉज करती है दी इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लिम्फैटिक वेसल्स यूजुअली आपके लोअर लिम्स की और ग्रोइन एरिया की सो so, डिजीज पहचाननी है आपको ऑप्शन ए इज़ एलिफेंटी ऑप्शन बी एस्कैरी ऑप्शन सी रिंग डिजीज़ या ऑप्शन डी अमीबा एंड दी करेक्ट आंसर शुड बी कम ऑन

रीप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पेयर दे रखे हैं जिनमें पहले केस में आपको पहचाना है दी करेक्ट पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफॉइड फ़ीवर और सेकेंड वाले केस में इन ईच पेयर आपको फाइन करना है दी कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड कमॉन इट्स एन ईजी वन वेरी वेरी ईजी सो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सैलमोनेला टाइफाईड एंड थ्रोन टेस्ट ऑप्शन बी सैल्मोनाला टाइफाईड विडॉल टेस्ट ऑप्शन सी प्लास मोडियम वाइबैक्स UTI test, या फिर ऑप्शन डी स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियडोल टेस्ट कमॉन राइटर शुड बी पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफ कौन होता था याद है और जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट था विडोल टेस्ट सो देक्ट आंसर वुड बी ऑब्वियसली सैलमोनाला टाइफाई विद विडोल टेस्ट सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट इन दिस केस आई होप यू गार दिस वेरी वेल तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर सेवन पर एंड क्वेश्चन दी येलोज फ्लूड सिक्रिएटेड बाय मदर ज्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज़ वेरी इसेंशल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इंफेंट्स बिकॉज इट कंडेन्स तो बच्चों आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉम जो कि येलोएज फ्लूड यूजली मदर रिलीज करती हैं इन दी स्टार्टिंग डेज ऑफ द लैक्टेशन पीरियड और ये बच्चों को एक न्यू बॉर्न इंफेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो ऐसा क्या होता है इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो कि एक न्यू बॉर्न को आफ्टर इट्स कंजम्प्शन इस कोलेस्ट्रॉम के कंजम्प्शन के बाद इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मैक्रोफेजेस ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन ए ऑप्शन सी नेचुरल किलर सेल्स या ऑप्शन डी द मोनोसाइट्स कम ऑन रिकॉल करो मैंने इसके बारे में इस चैप्टर में भी पढ़ाया है इनफैक्ट मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ाया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द प्रेगनेंसी एंड यू नो जेस्टेशन उसके बाद हमने पार्चुलेशन uh, और लैक्टेशन uh, पीरियड भी डिस्कस किया था सो so, मैंने आपको बताया था ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये रिच होता है किसी चीज़ में किन में से इनमें से कौन सी चीज़ हो सकती है सोचो इट वुड बी ये इट वुड बी एन एंटीबॉडी नॉर्मली जो मदर का कोलेस्ट्रॉम होता है इट इज रिच इन एंटीबॉडी आई जी एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है ओके सो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए में रिच होती है ये मदर का कोलेस्ट्रॉम ओके okay? इसका मतलब ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो कि मदर से फीटर्स तो नहीं यहाँ पर इन्फेंट की बात हो रही है ओके okay? जो कि बॉर्न हो चुका है सो so इन्फेंट में ट्रांसफर होती है मिल्क ओके okay? जो कि एक इन्फेंट को प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है दैट इज ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिलन ए तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर एट पर द्वेश्चन विच ऑफ दम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी क्राफ्ट तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से दिया हुआ कौन सा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि किडनी ग्राफ्ट को जो कि ट्रांसप्लांट किया गया है किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर उसको रिजेक्ट कर सकता है ओके याद कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ऑप्शन है ऑप्शन ए इन्फ्लमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑप्शन बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑप्शन सी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या फिर ऑप्शन डी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कमॉन सो यहाँ पर आपको याद करना है जल्दी से कमॉन जब भी किसी बॉडी में नए ऑर्गन या टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन होता है या किसी ग्राफ्ट का यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होगा वो रिजेक्ट किया जा सकता है और रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो कि क्या था अ सिस्टम ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो कि अटैक करते हैं किसी भी इनवेडिंग सेल को जो कि यू नो पैथोजन की तरह you know, कर रहा है टू द होस्ट सेल

इट इज अ पैरासाइट राइट इंडो पैरासाइट है ये अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल हमने स्टडी की थी आपको बताना है प्लाज्मोडियम अपनी कौन सी वो इन्फेक्टिव स्टेज है जिसका कि नाम आपको यहाँ पहचानना है इंजेक्ट करता है इन दी ह्यूमन बॉडी ठीक है आपको याद होगा प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो डायजेनेटिक है वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है द फर्स्ट होस्ट इज ह्यूमन एंड द सेकेंड वन इज द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो सो ह्यूमन्स केस में अगर मस्कीटो जो है वो यहाँ पर इस प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को इंजेक्ट कर रहा है ओके वाइल इट इज़ बाइटिंग एंड सकिंग द ब्लड तो वो कौन सी स्टेज होगी ऑन ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ट्रोफोजॉइड्स ऑप्शन बी स्पोरोजॉइड्स ऑप्शन सी मेल कैमिटोसाइट्स या ऑप्शन डी फीमेल राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन बी स्पोरोजॉइड्स याद है ना स्पोरोजॉइड्स वो इन्फेक्शियस स्टेज है ओके okay, जो कि एक मस्कीटो बेसिकली इंजेक्ट कर देता है अलॉन्ग विथ इट सलाइवा जब वो uh, कर, सक करता है ब्लड को फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ओके तो अपनी प्रोबोस से जब वो पियर्स करके ब्लड को सक करेगा ना उससे पहले वो सलाइवा इंजेक्ट करता है और सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम

राइट चलिए कॉलम वन में जो पहली डिजीज आपको दे रखी है दैट इज टाइफ टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट याद करो इट वॉज सेलमोनेला सेलमोनेला टाइफाइड तो इसका मतलब यहां पर ए जो है वो मैच करेगा विद द थर्ड वन सो सैलमोनेला हम यहाँ स्पीशीज का नाम भी लिखते तो इट इज गोइंग टू बी सैलमोनेला टाइफाइड ओके देन वी हैव द सेकेंड वन दैट इज न्यूमोनिया अब न्यूमोनिया कॉज करने में आपको पता है इट वॉज आईद सेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर इट कुड बी ऑल्सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी, तो so, देखो यहाँ पर बी जो है वो फोर्थ से मैच करेगा तो so, इसका पूरा नाम क्या होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी, yeah. इसका पूरा नाम है ओके स्पीशीज का नेम, तो देखो ए यहाँ पर थर्ड से मैच कर रहा है बी फोर्थ से तो ए थर्ड से मैच कर रहा है इन ओनली ऑप्शन बी एंड बी फोर्थ से दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बाकी ए सी एंड डी गलत है ओके सो वील वेरीफाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन

याद है और प्लाज्मोडियम की सबसे कॉमन स्पीशीज जिससे मलेरिया कॉज होता है दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और भी थे हमने देखा था ओवेली मलेरिया ही फैलसीपेरम वो भी होती हैं बट सबसे कॉमन वाली का मैंने नाम लिख दिया है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स तो यहां पर सी मैच करेगा विथ फर्स्ट एंड डी विथ सेकेंड तो सी फर्स्ट एंड डी सेकंड दैट मीनस यही ऑप्शन हमारा एक्जैक्टली exactly करेक्ट था सो ऑप्शन बी इन दिस केस इज द करेक्ट आंसर आई होप यू गॉट दिस वन वेरी वेल तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है दैट इज प्रॉब्लम नंबर इलेवन आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को द क्वेश्चन आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी से आपको रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है एक रॉन्ग स्टेटमेंट को ठीक है चलिए देखते हैं हमारी स्टेटमेंट्स को पहली स्टेटमेंट है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स तो बच्चों क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में क्या एक्टिव इम्यूनिटी एक क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करती है और वो भी फुल रिस्पॉन्स एक साथ नहीं यू शुड रिमेंबर एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था एक्टिव इम्यूनिटी जो है इट इज़ स्लो इन नेचर ओके ये काफ़ी स्लो होती है एंड इट टेक्स टाइम टू तो गिव इट्स फुल रिस्पॉन्स ओके फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में उसको टाइम लगता है तो इसका मतलब यहां पर क्विक की जगह आना चाहिए था स्लो एंड इट टेक्स टाइम्स सो so, यहाँ पर स्लो है एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल रिस्पॉस दैट शुड हैव बीन दी राइट स्टेटमेंट बट यही स्टेटमेंट पहली ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बच्चों इसीलिए हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा बट बाकी की स्टेटमेंट्स भी समझ लेते हैं चलो देखते हैं बी वाली स्टेटमेंट को बी स्टेटमेंट कहती है वेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड इट कुड बी मतलब एंटीजन जो आप जानते ही हो एक फॉरन किसी भी प्रोटीन को कहा जाता है सो so, कोई भी फॉरन प्रोटीन चाहे वो लिविंग हो या डेड हो अगर वो एक्सपोज होता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं इन दी होस्ट बॉडी उसी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बुलाते हैं तो यही तो करेक्ट है एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आपकी बॉडी ने एक्टिवली खुद अपनी इम्यूनिटी बनाई है अगेंस्ट एनी इन्वेटिंग पैथोजन और जो इन्वेटिंग पैथोजन या फॉरेन बॉडी है वो एक प्रोटीन है उसको हम एंटीजन बुलाते हैं तो उसी के यू नो एक्सपोजर से जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज़ बनाता है खुद से बनाता है तो ऐसे में इस टाइप की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बुलाते हैं तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट थी करेक्ट थी तो हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ता बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन ठीक है देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर ओके एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी येस डेफिनेटली प्लसिंटा के थ्रू फीटस जो है वो सर्टिन यू नो एंटीबॉडीज को मदर की बॉडी से या मदर के ब्लड से रिसीव करता है तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी ही है बिकॉज पैसि इम्युनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती हैं टू द इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस ओके तो इसका मतलब फीटर्स ने अपनी खुद से अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं रसी, की है दैट इज वाई इट इज नॉट एक्टिव इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज वो रेडीमेड एंटीबॉडीज उसने रिसीव की है फ्रॉम दी मदर्स बॉडी राइट तो उसका मतलब यहाँ पर सी वाला जो स्टेटमेंट था दिस ऑल्सो वॉज अ राइट स्टेटमेंट इसका मतलब क्या हुआ इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता एंड वी हैव ऑप्शन डी दैट सेस When ready made antibodies are directly given, it is called passive immunity. एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट यही तो मैंने आपको बताया जब रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है इम्यूनिटी है क्योंकि इंडिविजुअल ने इसे खुद एक्टिवली नहीं बनाया है इसीलिए ये एक पैसिव इम्यूनिटी है राइट सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस शुड बी ऑप्शन ए तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व पर फ्रॉम द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन और क्वेश्चन कह रहा है भाई ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन ही है जहाँ पर लिस्ट वन के आइटम्स को आपको लिस्ट सेकेंड से मैच करना है और करेक्ट आंसर को फाइंड करना है फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो कम ऑन सो लिस्ट वन में अगेन आपको यहाँ पर कुछ डिजीजेस के नाम दे रखे हैं और लिस्ट सेकेंड में उनके पॉजिटिव एजेंट्स बस आपको मैच करना है और फाइन करना है करेक्ट ऑप्शन को सो so, देखो हम ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं और आगे आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सो so, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके इनको याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड राइट तो चलो फिलारियासिस की बात करते हैं फिलारियासिस याद करो एलिफेंटियासिस कॉज कौन करता था वो शुरेरिया बैनक्राफ्ट आए सो so, यहाँ पर ए जो है वो थर्ड से मैच करेगा कहाँ कर रहा है भाई ए से थर्ड मैच ए से थर्ड मैच यहाँ कर रहा है ऑप्शन सी में मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट द करेक्ट वन वुड बी ऑप्शन सी ओनली चलो वेरीफाई कर लेते हैं अमीबायसिस अमीबायसिस याद है इसको हम एंटरिक यू नो आप कह सकते हो अमीबाइसिस भी कहते हैं या एंटरिक डिसेंट्री भी कहते हैं सो so, अमीबायसिस जो है इसको कॉज करने वाला जो पर्टिकुलर एजेंट है दैट इज गोइंग टू बी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका याद है आप सभी को सो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर सो बी यहाँ पर फोर्थ से मैच करेगा जो कि ऑब्वियसली यहाँ कर रहा है कॉट इट देन निमोनिया बताया था मैंने आपको या तो सेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इंफ्लुएंसी जिसका मतलब सी वाला विद द फर्स्ट यहाँ पर भी देख लो और आखिरी बचा है रिंगवर्म रिंगवर्म जो कि एक फंगल डिजीज है और ये कॉज होती है बिकॉज ऑफ येस ट्राइको फाइटोन इवन कुछ और भी यहाँ पर स्पीशीज हैं जो कि कॉज करती है रिंगवर्म को दैट इज आपको याद होगा एपिटर्मोफाइटॉन वो देयर माइक्रोस्पोरम वो देयर तो ये तीन स्पीशीज जो थी वो रिंग वर्म कॉज करती थी जिसमें से एक का नाम ट्राइको फाइटॉन यहाँ पर दे रखा है दैट मीन्स डी यहाँ पर सेकेंड से मैच करेगा जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर दे रखा है दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा समझ में आया चलो तो बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम 13 जो कि है फ्रॉम नीट 2022 एंड द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स तो बच्चों ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट दे रखी हैं दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद आपको बचाना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट राइट चलो स्टेटमेंट वन को रीड करते हैं पहली स्टेटमेंट कह रही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म रिकग्नाइज इट्स इट्स ओन सेल्स एज ए फॉरन बॉडी तो बच्चों आपको बोला जा रहा है पहली स्टेटमेंट में कि भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कुछ ऐसी बॉडी की कंडीशन है जहाँ पर बॉडी का ही जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो उनका इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को फॉरेन बॉडीज कंसीडर कर लेता है उनको फॉरेन बॉडीज के तरह रिकॉग्नाइज करता है ओके okay? और स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रही है भाई देख लेते हैं वो बोल रही है रोमोटॉइड अर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडीज डज नॉट या फिर बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है डज नॉट अटैक द सेल्फ सेल्स तो यहां पर बोला जा रहा है कि रोमोटॉइड अर्थराइटिस में बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक नहीं करती है ओके okay? सो so, इन दो स्टेटमेंट्स में से आपको पहचाननी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट चलो पहली स्टेटमेंट याद करो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में है आपको पता ही है कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स पे अटैक कर देता है जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर यही तो बोला जा रहा है जहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी सेल्स को फॉरेन बॉडीज़ की तरह कंसिडर कर लेता है दैट मीन्स ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक्जैक्टली परफेक्टली करेक्ट है भाई तो इसका मतलब इसके आगे टिक लगा लेते हैं ठीक है सेकंड स्टेटमेंट देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अर्थराइटिस में बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक नहीं करती है बट आपने तो इसको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के तौर पर एग्जाम्पल में याद करो कॉन्सेप्ट में तो इसका मतलब ये अगर ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है दैट पर बॉडी सेल्स खुद के ही सेल्स को अटैक कर रहे हैं ना मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ओके दैट मीनस ये स्टेटमेंट रॉन्ग है पहली स्टेटमेंट करेक्ट सेकेंड रॉन्ग पहचानो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है देखो कहाँ पर बोला जा रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इन करेक्ट दैट इज ऑप्शन सी राइट तो इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी वेल तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन पर द क्वेश्चन सेलेक्ट दी इनकरेट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दक्वायर्ड इम्यूनिटी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर सडन स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रॉम ए टू डी और आपको फाइंड करनी है वो स्टेटमेंट जो कि है इनकरेक्ट गोटेड चलो पहली स्टेटमेंट देखते हैं पहली स्टेटमेंट बोल रही है हमसे प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूसड बैन अवर बॉडी एनकाउंटर द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्जैक्टली ट्रू हमारी बॉडी जब पहली बार किसी यू नो पैथोजन से एक्सपोज होती है तो तभी तो हमारी बॉडी पहला जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसको डेवलप करती है जनरेट करती है ये तो परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें क्या गलत है दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस बिकॉज वी हैव टू फाइंड इन करेक्ट वन ठीक है चलो ये एलिमिनेट हो गया चलो बढ़ते हैं अपनी बी स्टेटमेंट पे इट सेज एनमिस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सबसिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन अब देखो यहाँ पर वर्ड आ गया है एनमिस्टिक रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि मेमोरी पे बेस्ड है पिछले हुए किसी इवेंट को याद रख सकता है आपको पता है ना हमारी इम्यून सिस्टम की खासियत है इट हैज़ मेमोरी वो याद रख सकता है पिछली बार किस पैथोजन ने अटैक किया था और उसके हिसाब से वो अपने लिए एक एंटीबॉडीज़ बना के अपनी बॉडी में रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो पैथोजन आएगा तो इस बारी वो अपना जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इनहेंस तरीके से यानी कि एलिसिटेड मैनर में प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो है वो एलिसिटेड हो जाता है दैट मींस एलिसिटेड मतलब होता है एनहेंस और ज्यादा बढ़ चढ़ के होता है जब एनकाउंटर करता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम विद द सेम पैथोजन द नेक्स्ट टाइम इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो एक्जैक्टली करेक्ट हुई ना ऑब्वियसली पहली बार पैथोजन आया तो बॉडी ने अपनी मेमोरी डेवलप करी और एंटीबॉडीज बना के रख ली बट दूसरी बार सब्सिक्वेंट जितनी बार पैथोजन आकर अटैक करेगा इस बार उसके पास वो मेमोरी प्रेजेंट है और हर बारी वो एनहेंसड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा अगेंस्ट दैट पैथोजन तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस ठीक है चलो देन वी हैव सी स्टेटमेंट दैट सेज एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ़ दी फर्स्ट एनकाउंटर जैसा कि मैंने बताया था एनमनेस्टिक वर्ड का ही मतलब होता है किसी चीज़ को स्मरण करना मेमोराइज़ करना याद करना याद है सो so, ऐसा रिस्पॉन्स जो कि पहले एनकाउंटर ऑफ पैथोजन की वजह से डेवलप हुआ था बिकॉज उसकी मेमरी याद रही ना हमारे इम्यून सिस्टम को उसने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के ऑलरेडी प्रेजेंट रखी हैं अपने पास वो मेमरी है उसको तो अगली बार जब वो अटैक करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास यहाँ पर ये रिस्पॉन्स डेवलप्ड है तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड हेन्स वी विल हैव टू एलिमिनेटेड ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी जो कि गलत ही होने वाला है मतलब यही स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाली है जो हमें फाइंड करनी थी सो so, देखो यहाँ बोला जा रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ तो आपसे बोला जा रहा है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो कि बर्थ से प्रेजेंट होता है ये तो गलत है भाई आपको पता ही चल रहा है नाम से एक्वायर्ड मतलब जो बर्थ के साथ नहीं मिली है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी है ऐसी इम्यूनिटी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ओके okay? बर्थ के साथ मिलने वाली इननेट इम्यूनिटी है इन बॉर्न इम्यूनिटी बट यहां पर ये जो इम्यूनिटी है इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बींग एक्सपोज टू डिफरेंट पैथोजेंस ओके तो यही वो स्टेटमेंट थी जो कि इनकरेक्ट थी और इसी को हमें फाइंड करना था इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस आया समझ तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर फिफ्टीन पर द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स तो ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ग्राफ्ट अगर बॉडी रिजेक्ट कर देती है तो उसके पीछे कौन सा एक मेन रीजन आपको देखने को मिलेगा इनमें से कौन सा बेसिकली वो रिस्पॉन्स होगा ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन याद करो हम ऑलरेडी दो बार पहले डिस्कस कर चुके हैं आज ही के सेशन में तो इसका करेक्ट आंसर आप ही जाना चाहिए ओके चलो ऑप्शन ए इज़ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ऑप्शन बी इनेबिलिटी ऑफ द रेसिपिन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यू और सेल्स तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है जब हमारी बॉडी अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यूज़ के बीच में या सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है सो so, ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की बात हो रही है ऑप्शन सी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ओनली या ऑप्शन डी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स

तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 पर जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है जहां पर लिस्ट के आइटम्स को आपको लिस्ट सेकंड के आइटम से मैच करवाना है चलो यहां पर आपको कुछ बैरियर्स दे रखे हैं और उनके एग्जांपल्स आपको यहां पर उनको करेक्टली मैच करना है चलो पहला है सेल्युलर बैरियर यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन से वो सेल्स है इनमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है ऑफ दो सेल्स जो कि एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ पैथोजेंस को इनसाइड द ह्यूमन बॉडी कमॉन सेल्यूलर बैरियर का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कौन से मिल रहे हैं न्यूट्रोफिल याद है इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी ओके जो कि फेगोसाइटोसिस करता है ऑफ दर्म्स ऑफ दैथोजन इसका मतलब ए यहां पर मैच करेगा विद द थर्ड वन सो ए थर्ड से कहा मैच हो रहा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में देखो ए थर्ड से यहां पर मैच हो रहा है वाइल ऑप्शन बी एंड सी में नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये एलिमिनेटेड हो जाएंगे ठीक है ओके देन वी हैव हैवे साइटोकाइन बैरियर याद करो साइटोकाइन बैरियर वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन इंटरफेरॉन्स इंटरफेरोंस पे बेस्ड था ये क्यों था इंटरफेरस क्या हैं इंटरफेरॉन्स मैंने बताए थे कुछ ऐसे ग्लाइको जो कि वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यू नो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं सो so, वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स कुछ ग्लाइको रिलीज करते हैं जो कि अपने उस वायरस इन्फेक्टेड सेल के नेबरिंग सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंटी वायरल प्रोटीन्स वो इंटरफेरानस कहलाते थे, थे वो ग्लाइको प्रोटीन्स सो ये वाला जो बैरियर है साइटोकाइन बैरियर दिस इज बेस्ड ऑन इंटरफेरॉन्स दैट मीन्स बी वाला फर्स्ट से मैच करेगा तो बी फर्स्ट में कहाँ से मैच कर रहा है देखो इस केस में यहाँ पर कर रहा है और यहाँ नहीं कर रहा है डी में इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया दैट मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा आइए वेरीफाई करते हैं बाकी के ऑप्शन को तो so, यहाँ पर आता है नेक्स्ट फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर के दो ही एग्जाम्पल है फिजिकली कौन प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पैथोजन को बताओ पहली चीज़ तो स्किन थी हमारी और दूसरी द म्यूकस राइट तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है वो उस पर बनने वाला जो म्यूकस है वो एक्चुअली ट्रैप कर लेता है पैथोजेंस को एंड प्रिवेंट करता है उनकी एंट्री को है ना और उसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप सभी को पता है आते हैं बॉडी के वो सिक्वेशन जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं या फिर उनको यू नो ग्रो नहीं करने देते हैं मल्टीप्लाई नहीं करने देते हैं तो उनका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है एच यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दी गैस्ट्रिक जूस जो कि पैथोजेंस को किल कर देता है एन दी स्टमक तो डी यहाँ पर फोर से मैच कर रहा है जो कि कर रहा है भाई और यहाँ पर सी सेकेंड से जो कि है इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है आया समझ तो बच्चों लोग नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज अवर प्रॉब्लम नंबर 17 फ्रॉम द ईयर 2023 यानी कि इसी साल का क्वेश्चन है, है. ये आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है द क्वेश्चन सेज इन ब्लड द दैट इज ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडेफिशंसी वायरस अंडर गोज रेप्लीकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस तो बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन से ब्लड सेल्स में से ब्लड कार्पिसल्स में जो एच आई वी वायरस है वो एंटर करता है इन्फेक्ट करने के बाद अपने आप को रेप्लीकेट करता है और बनाता है वायरल प्रोजेनीस को कम ऑन याद कीजिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन है, ए है, बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी बेसोफिल्स ऑप्शन सी इओसिनोफिल्स या फिर ऑप्शन डी हेल्पर टी सेल्स ऑफ द टीएच सेल्स कम ऑन याद आ गया आप सभी को एचआईवी की लाइफ साइकिल हमने स्टडी की थी तो इनमें से किन सेल को अटैक करता है एचआईवी वायरस याद करो इट वाज द हेल्पर टी सेल आ गया याद देखो कैसे हम जल्दी से यहाँ पर रिकॉल करते हैं एच की लाइफ साइकिल को ताकि आपको याद आ जाए कि कैसे इन्फेक्शन कॉज होता है बाई एच सो इमेजिन करते हैं कि ये है एच का वायरस सो so, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ ठीक है नाउ दिस एच सबसे पहले जब एंटर करता है बॉडी में इट अटैक्स दी मैक्रोफाजिस सो जो मैक्रोफाज सेल्स होते हैं ना जिसको कि सपोज मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है नाम ही बता रहे थे यार लार्जर इंदर साइज मैक्रोफाज है है ना फेगोसाइटोसिस करते हैं ओके और ये मैं इसका यहाँ पर न्यूक्लियस भी बना देता हूँ तो so, इसका ये न्यूक्लियस है तो सबसे पहले एच वायरस जो है वो यहाँ पर आके अटैक करेगा एंटर करेगा माइक्रोफाजिट के अंदर तो so, यहाँ पर ये यह एच आ गया अब ये जो एच आया है बच्चों आपको पता है ये रेट्रो वायरस इसकी कैटेगरी को बिलोंग करता है ये वायरस और इसके पास इसका जो जीनोम है दैट इज आर एन एके सो इसके पास आर वाला जीनोम है तो so, ये एच क्या करता है सबसे पहले तो अपने RNA को डीएनए में कन्वर्ट करता है और ऐसा कैसे हो सकता है आपने नॉर्मली सेंट्रल में देखा था डीएनए से आरएनए आरएनए तो बनता है है बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बट उल्टा हो रहा है पर RNA से डीएनए बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर, जो है और इसको कैटेलाइज करने वाला इंसाइम हो जाता है so, नाम की की में, DNA, और ये जो वायरल डीएनए ये जाकर इस पर्टिकुलर सेल यानी कि होस्ट सेल मैक्रोफाज सेल के डीएनए में जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो यहां पर यह होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है जैसे ये इनकॉर्पोरेट होगा इस माइक्रोफाज के डीएनए में अब ये इस माइक्रोफाज यानी कि होस्ट सेल की जो मशीनरी है ना उसको टेक ओवर कर लेता है उसकी वजह से क्या होगा अब ये जो डीएनए इंसर्ट हुआ है वायरल डीएनए ये डायरेक्ट करेगा इस माइक्रोफाज को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वायरल ठीक है तो इन्फेक्ट करने के बाद अब ये जो HIV है दिस दिस फाइनली कम्स आउट ऑफ माइक्रोफाज तो बेसिकली इसने माइक्रोफाज को क्या बना दिया है एक वायरल फैक्ट्री ओके ये फैक्ट्री ऑफ वायरसेस की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वायरल प्रोजेनी बट ये एच अब यहां इन माइक्रोफाज से बाहर आके इन्फेक्ट करता है किन सेल्स को याद करो इट वॉज दी हेल्पर टी सेल्स याद आ गया तो यहां पर सपोज मैंने ड्रॉ किया है helper T -cell, जिसका कि सपोज मैंने ये एक न्यूक्लियस बना दिया ठीक है तो ये एच आई वी जाके अब इस हेल्पर टी सेल पर अटैक करेगा और एंटर कर जाएगा समथिंग लाइक दिस अब यहां पर जाके अगेन ये अपनी प्रोचैनी बनाता है तो यहां पर ये बहुत सारे एच आई वी में वायरल पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा एंड फाइनली जब ये टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स बर्स्ट करेंगे तो ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे जाके और हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे तो इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हो कि ये इंफेक्ट करता है अदर हेल्पर टी सेल्स जिन्हें हम टी एच सेल्स भी लिखते हैं ठीक है तो आप सभी को याद होगा हेल्पर टी सेल्स क्या किस चीज़ में हेल्प करते थे ये वो सेल्स थे जो कि बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते थे हेल्प करते थे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी वायरल इन्फेक्शन या किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन पे सो so, अगर यही इन्फेक्टेड हो जाएंगे हेल्पर टी सेल्स ही अवेलेबल नहीं होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाई दी इफेक्ट और बाई दी अटैक ऑफ दीज एच तो क्या होगा आपके बी इम्फोसाइज विल नॉट गेट स्टिम्युलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और पर्सन सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी की कंडीशन को यू नो अंडरगो करता है तो एज सच यहां पर जो सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं इन सभी ब्लड सेल्स में से ब्लड सेल्स का ऑप्शन पूछा गया था माइक्रोफाजिज आर नॉट ब्लड सेल्स रिमेंबर सो ऐसे में यू विल सी जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी येस टी सेल जो कि एक तरीके का है, है भाई। आपने इसको की में प्लेस किया है ना तो अंडर दी वाइट ब्लड सेल्स केस आई क्वेश्चन का जवाब भी आपको अच्छे से समझ आया होगा तो बच्चों लोग नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम नंबर एटीन जो कि अगेन मैच दिन टाइप क्वेश्चन है और आगे आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन मैच द फॉलिंग टाइप ही मिलेंगे जो कि इन रिसेंट ईय में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ही पूछे गए ओके सो okay? so यहाँ पर देखो वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने पिछले कुछ साल पहले के जो क्वेश्चन थे उनमें देखा था सेम वही क्वेश्चन है सेम वही डिजीजेज हैं सेम वही उनके यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट्स हैं बस आपको यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया गया है जल्दी से मैच करते हैं डिजीज को उनके पॉजिटिव एजेंट से एंड फाइन करते हैं करेक्ट आंसर को चलो रिंग वर्म कॉज करता है भाई यहाँ पर फंगस ट्राइकोफाइटॉन और भी हो सकते थे माइक्रोस्पोरम भी हो सकता था एपिडर्मोफाइटॉन भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था बट यहाँ पर रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन है ट्राइकोफाइटॉन कॉज करेगा फिलारिया कॉज करता था भाई श्रेरिया बैंक्रॉफ्ट आए ठीक है मलेरिया कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम, वाईवैक्स एंड निमोनिया बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी। तो यानी कि यहां पर टू थ्री फोर एंड वन का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर है टू थ्री फोर एंड वन इज योवर हियर। तो ऑप्शन बी इन दिस केस इज करेक्ट आई होप इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर नाइनटीन को ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है जहाँ पर लिस्ट वन के आइटम्स को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट आंसर कम ऑन लिस्ट वन में आपको यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में उनके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दे रखे हैं तो आपको करेक्ट ड्रग को उनके फिजियोलॉजिकल रोल से मैच करवाना है कमॉन लिस्ट वन में पहला आइटम है हीरोइन जिसको हम लोग पॉपी प्लांट से यू नो ड्राइव करते हैं याद है आप सभी को इसको स्मैक भी बुलाते थे हीरोइन बेसिकली ये बिलोंग करता है टू द कैटेगरी ऑफ ओपीइड्स और ये एक डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है इसका मतलब ये बॉडी की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर हीरोइन जो है वो जाके मैच करेगा विद द सेकेंड वन राइट ठीक है देन वी हैव एज मेजाना अब मैरिजवाना जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है टू द कैटेगरी ऑफ कैनाबोनॉयड ड्रग्स है ना सो कैनाबोनोइड्स में ये जाते हैं सटाइवा से ये ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सो so नाउ ये जो पर्टिकुलर आपको ड्रग मिलता है इसको इसका जो इफेक्ट है हमको देखने को मिलता है ऑन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इस पर ये इफेक्ट डालता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट से मैच करेगा तो देखो ए सेकंड से कहाँ मैच हो रहा है ओनली इन ऑप्शन सी देखो ए सेकंड से केवल यहीं पर मैच हो रहा है बाकी किसी में नहीं हो रहा था इसका मतलब आपके ए बी एंड डी ऑप्शन रॉन्ग हैं एंड सी वाला ही करेक्ट है बट वील हैव टू वेरीफाई ऑल दी ऑप्शन राइट तो इसमें यहाँ पर देखते हैं बी हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है डेफिनेटली कर रहा है फाइन वेन नेक्स्ट वन जो हम देखते हैं दैट इज कोकेन जैसे हम कोक या फिर क्रैक भी बुलाते हैं ओके okay, अब ये जो पर्टिकुलर ड्रग है इसका मैंने इफेक्ट बताया था ये एक टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर के यू you नो know, uh, ट्रांसपोर्ट में इंटरफेरेंस कॉज करता है एंड दैट न्यूरो ट्रांसमीटर इज डोपमीन तो so, इसका मतलब ये जो कोकेन है और कोक है ये क्या करता है इट interferes विद दी ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपमीन तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो थर्ड वाला आइटम यहाँ पर है कोकेन इट इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ आइटम इन दी लिस्ट सेकेंड तो देखो तो यहाँ पर ये सी फोर्थ से मैच कर रहा है एंड देन have with मॉर्फिन जो कि आप जानते हो क्या है ये एक एल्कोलॉइड है नेचुरल एल्कोलॉइड और ये इस्तेमाल किया जाता है एज पेन किलर है ना क्योंकि ये एनेस्थीसिया की तरह एक्ट कर सकता है ओके ड्यूरिंग दी सर्जिकल ऑपरेशन राइट तो उस टाइम पर ये यूज किया जाता है सो so, यहाँ पर डी आपका मैच करेगा विद द थर्ड जो कि यहां पर दिख रहा है हेंस आवर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर तो बच्चों नेक्स्ट वी है इस साल भी दोनों ये जो तो यहां पर देखो यहां भी मैच करना है को, से. तो लिस्ट वन में आपको डिजीजेस के नाम दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में या तो उनके पॉजिटिव एजेंट का नाम या फिर वो किस पॉजिटिव एजेंट जो है वो किस एनिमल ग्रुप को बिलोंग करता है उस कैटेगरी का नाम दे रखा है so पहला दे रखा है यहां पर आपको टाइफॉइड टाइफॉइड के पॉजिटिव एजेंट का नाम आप सभी को पता है इज़ याद है जो कि एक बैक्टीरियम है तो या तो बैक्टीरियम दे रहा होना चाहिए या फिर बट दे रखा है तो वाला तो देखो यहां पर ए सेकेंड से कहा मैच हो रहा है ऑप्शन सी में और डी में तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा ए एंड बी ऑप्शन यहीं एलिमिनेट हो गया आया कि नहीं

रिंग वर्म कॉज करने वाला जो कॉजेटिव एजेंट है याद करो रिंग वर्म एक फंगल डिजीज़ है जो कि कॉज होती थी बाय डिफरेंट फंगल जनरल जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन और तीसरा था माइक्रोस्पोरम और माइक्रोस्पोरम यहाँ आपको दे भी रखा है सो रिंग वर्म ईजिली यहाँ पर मैच करेगा विद द फोर्थ आइटम तो देखो यहाँ पर बी थर्ड से और सी फोर्थ से कहाँ मैच हो रहा है बी थर्ड से सी फोर्थ से इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है डी बी रॉन्ग है जल्दी से वेरीफाई करें लास्ट वाले को ऑब्वियसली मलेरिया को कॉज करने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है वो है

लिस्ट वन के अगर आइटम्स को आप देखते हो पर आपको वेरियस बैरियर्स के नाम बताए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ की या फिर उनके स्प्रेड को और यहाँ पर उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वी हैव टू करेक्टली मैच दिज एंड फाइंड दी करेक्ट आंसर कम ऑन सो साइटोकाइन बैरियर इज अवर फर्स्ट आइटम इन लिस्ट वन साइटोकन बैरियर याद करो मैंने बताया था ये बेस्ड होता है ऑन दी इंटरफेर याद है इंटरफेरॉन्स इंटरफेरॉन्स क्या है ये कुछ ऐसे ग्लाइको प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्प्रेड होते हैं टू द नेबरिंग सेल्स ताकि नेबरिंग सेल्स को वो क्या करे स्टिमुलेट करे टू प्रोड्यूस एंटी वायरल प्रोटीन्स ताकि वायरस का अटैक जो है वो लोकलाइज रहे स्प्रेड नहीं कर पाए तो साइटोकाइन बैरियर्स जो हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है ऑन दी इंटरफेरॉन्स सो ए यहाँ पर सेकेंड से मैच करेगा सो so, ए सेकेंड से कहाँ मैच कर रहा है देखो इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन डी में बी एंड सी में नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब बी और जो सी ऑप्शन है दे आर गोइंग टू बी रॉन्ग फाइन नेक्स्ट वी हैव आर दी सेल्यूलर बैरियर्स यानी कि कुछ ऐसे सेल्स जो कि बॉडी में क्या करते हैं पैथोजेंस के एंट्री को एंट्री को अगर नहीं रोक पाते हैं तो उसके स्प्रेड को रोकते हैं सो so, कौन से वो सेल्स हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो कि पैथोजेंस की एंट्री या फिर उनके स्प्रेड को प्रिवेंट करेंगे सोचो ियसली न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफाजिस मैक्रोफाजिस इनगल्फ करते हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं रिमेंबर न्यूट्रोफुल्स भी तो इसका मतलब क्या हुआ बी यहां पर थर्ड से मैच करेगा करेगा कि नहीं करेगा तो so, बी यहां पर थर्ड से मैच कर रहा है देखो और यहां पर भी देखो बी थर्ड से मैच कर रहा है यहां पर भी कर रहा है दैट दैटमीज अभी भी हम दोनों तरफ ही चल रहे हैं ए और डी में से कुछ भी हो सकता है राइट आंसर सोचो अगला वाला क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हम क्या कंसिडर करते थे बॉडी के कुछ ऐसे सिक्रेशन जो कि पैथोजन की एंट्री या फिर उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करे कौन से सिक्रीशन दिख रहे हैं आपको देखो यहाँ पर सोचो टीयर्स एंड सिलाईवा याद है ना टीयर्स एंड सिलाईवा दोनों में ही लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं यानी कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने वाले एनजाइम्स ऑब्वियसली तो इसका मतलब ये बॉडी के कुछ ऐसे सिक्रेशन हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे बिकॉज दे आर बैक्टीरियसाइड इन देयर नेचर ओके तो सी यहाँ पर मैच करेगा विद द फोर्थ वन तो सी फोर्थ से मैच कर रहा है ऑप्शन ए में राइट नॉट इन दिस वन ऑप्शन डी में मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन ए ही करेक्ट है आइए देखते हैं लास्ट वन फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकल यू नो एक आप कह सकते हो हिंड्रेंस प्रोवाइड करना है तो टूवर्ड्स दी एंट्री ऑफ एनी पैथोजन और इट स्प्रेड सो वो प्रोवाइड करती है हमारे पास हमारी स्किन एंड दी म्यूकस कोटिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्योंकि म्यूकस में जाके तो फिजिकली टू अवर बॉडी तो एज सच यू नो वेरी वेल की यहाँ पर डी जो है वो, तो तो you know well वो फर्स्ट से मैच करना चाहिए जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है सो ऑप्शन ए वुड बी दी राइट आंसर इन दिस केस आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा तो बच्चो विद अपर टूडे सेशन ऑन दी पी वाई क्यूज ऑफ दैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आई होप इस चैप्टर के जितने भी हमने पी वाई क्यू सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्न है मतलब फ्री है पर बेस्ट है